ये पूरे पहाड़ जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये टोंगारीरो नेशनल पार्क के ही हैं। हुका फॉल्स ताऊपु का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगर आप ताऊपु में हैं तो इसे मिस मत करिए। सिटी सेंटर से हुका फॉल्स की दूरी 10 मिनट की ड्राइव है, बसेस भी चलती हैं। लेक टिकापु जो है वो न्यूजीलैंड के करीब करीब बीचों बीच में ही है, तो ऑकलैंड से आपको यहाँ पहुँचने के लिए 3-3.5 घंटे लगते हैं, और वेलिंगटन से अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको करीब करीब 4.5 घंटे लगेंगे। काफी सीनिक ड्राइव वे है, तो कई जगह पे आप स्टॉप भी ले सकते हैं। कहीं पे भी आप जाएंगे नॉर्थ आइलैंड में न्यूजीलैंड के, तो स्टेट हाईवे 1 ही फॉलो करना है, क्योंकि स्टेट हाईवे 1 करीब करीब नॉर्थ आइलैंड के सेंट्रल से गुजरता है। तो आप स्टेट हाईवे 1 फॉलो करते हैं और उसके बाद अगल बगल की जो भी एडजॉइनिंग रोड्स हैं उसे फॉलो करते हैं अलग अलग सिटीज़ में जाने के लिए। अभी गर्मियों का मौसम है तो आप एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मई से सितंबर के बीच में आएंगे तो लेक का पानी बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होता है, तो आप स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते, और अगर आप कोई वाटर एक्टिविटी या वाटर स्पोर्ट्स कर भी रहे हैं तो भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, क्योंकि ठंडे पानी से भीगे हुए कपड़े आप टॉलरेट नहीं कर सकते। हालांकि मैं छुट्टी पर थी लेकिन ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मुझे ख़त्म करनी ही थी, और इस व्यू के सामने काम करते हुए मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो डायलॉग याद आ रहा था कि इस व्यू को देखो और मेरे दोस्त को देखो। सब खा गए कुछ लेके आ सकते हैं फीडिंग के लिए। तक मैं मीटिंग निपटा रही थी, विशाल कुछ एक्टिविटीज के बारे में पता करके आए हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। 12:30 बजे क्रूज है, जेट स्की में 1 घंटा लगेगा। अब हम लंच करने जा रहे हैं, 3:30 बजे हमारी बस है। अभी लंच करके देखते हैं दोनों में से कौन सी एक्टिविटी कर पाएंगे। खाना खा के मैं जेट स्की पे तो चढ़ूंगा नहीं, 12:30 बजे तक हम क्रूज को पहुँच पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहीं घास पे लेट जाऊँगा खाना खा के। पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं जब तक मेरी मीटिंग चल रही थी। दिन चढ़ा है तो बहुत सारे लोग बाइक और डॉग्स लेके निकले हैं, लेकिन हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। क्या हमारा खाना और ये हमें पड़ा है कितने का बाबूजी बता दो, लुट गए 350 रुपये $62, जिसमें से ये जूस मेरा पैकेट वाला जूस है, इसे मत काउंट करो। तेल का डब्बा साथ में लेके चल रही है, बट अच्छा लग रहा है ना देखने। एक्सक्यूज मी, गिर जाती है किसी के पेट में चली गई। चलो बहुत जोर से भूख लग रही है, इसे खत्म करते हैं। देखो ऐसी चीजें रखी रहती है रेस्टोरेंट में, तो ये है बर्गर खाने के लिए। अगर आपको अपने हाथ साफ रखने हैं तो यहाँ पे बर्गर को ऐसे रखो और इसे ऊपर नीचे फोल्ड करके दबा लो बर्गर को, ताकि उंगलियों में आपके सॉस ना लगे। इसमें ऐसे लिखा भी हुआ है, फोल्ड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी बने। तो अगर आप ज्यादा ही सफेल इंसान है तो आप इसे यूज करिए, अदरवाइज मेरी तरह दबाओ खाओ और निकलो। मैं बहुत सफेल इंसान हूँ लेकिन फिर भी गिराऊंगा 100% ये लगाने के बाद भी। हाँ मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हैंडी होगा, स्पेशली जब इतना बड़ा बर्गर हो रहा है। महंगा तो था लेकिन खाने में मजा भी होता है। क्यों तो महंगा होता है तो मजा ही आता है। मेरा वाला तो बहुत ही टेस्टी था रेड बीन बर्गर। अब हम जल्दी जल्दी निकल के भाग रहे हैं क्रूज के लिए, होपफुली हमें मिल जाए। 5 मिनट की तो वॉक है, अभी तो 12:25 ही हो रहा है, 12 बजे निकले। उसमें लिखा था कि 5 मिनट पहले पहुंचने के लिए, कोई बात नहीं। वो देखो वहाँ कोई बीचों बीच लेक के तैर रहा है, इसे देखो आधी लेक तैर करके वहाँ पहुँचा है। कहाँ जा रहा है ये? एक्चुअली बीच में तैरने के लिए ही लगा रखे हैं, देखो दूर तक वहाँ तक बैलून के बीच बीच में स्विमिंग कर सकते हो, तो लिखा भी हुआ वो कितना कह रहा है। अच्छा वो इंडिकेशन है डेप्थ वगैरह का, कहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। बोट्स भी चल रही है, फ्लोट प्लेन भी है, हाँ। है ना, जेट स्की वगैरह सब है, तो वो लिखा हुआ है कि इसके बीच बीच में आप तैर सकते हो, उसके बीच में प्लेन है, कोई और चीज नहीं चाहिए। कितना ज्यादा तैर है वो, मैं ये कह रही हूँ। एज देखो कहाँ पर है लेक का और वो कहाँ तक गया है। लोग मैराथन करते हैं, कितना ज्यादा स्टेमिना होते हैं वो भी, उनको स्विमिंग खूब आती है। मेरे को कोई बोल दे मैं तो 100 मीटर तैर के वापस आ जाऊँ बस इतना। 100 मीटर तैर के जाना फिर वापस आना बहुत हो जाता है। तो अभी मिल गई है क्रूज की टिकट जो कि 2 लोगों की $8 की पड़ी है। $80 40 साल पहले की बात कर रहे हो। और पीछे ये क्रूज है, इस पर हम जाएंगे, करीब 1.25 घंटे का क्रूज है। इस पर आप अपना स्नैक वगैरह लेके नहीं जा सकते, बट इन्होंने बोला है कि अंदर कॉफ़ी टी वगैरह मिल जाएगी। और जिससे मैंने पूछा उससे पहले विशाल भी पूछ कर आए थे और वो चिढ़ गए कि तुम लोग ये बार बार सवाल क्यों कर रहे हो। एनीवे चलो यहाँ पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या फन है करने को। थैंक यू। अरे मेरे को लगा हम वाइट वाले में जा रहे हैं, हम तो इसमें जा रहे हैं, आपको भी ये लगा ना? धोखा धोखा। लो इन लोगों ने तो आगे की जगह ले ली, उन्होंने फोटो में गलत बोर्ड दिखाई थी। बाहर की सारी सीट जो है वो भर गई है, लेकिन क्या आप मेरे साथ बाहर
जबरदस्ती घुस के भीड़ में इंजॉय करना चाहेंगे? इंजॉय तो मैं करूंगा, लेकिन देखो धक्का देना पानी पानी कितना साफ है। तो यहाँ हम चल दिए हैं माउरी रॉक कार्विंग्स की तरफ, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पानी के रास्ते पहुँच सकते हैं। अब आप वहाँ पर जाने के लिए कितनी लग्जरी सर्विस या कितना लग्जरी क्रूज हायर कर रहे हैं, उस पर आपका प्राइस वेरी करता है। हमने ये क्रूज $40 पर पर्सन में लिया था, और यहाँ पे खाने पीने के एडिशनल ऑप्शन थे जो आप ले सकते थे। हमने लंच किया था तो हमें ज़रूरत नहीं थी। पहले हम अंदर बैठे हुए थे, लेकिन बाहर खड़े होना मना नहीं था, इसलिए हम बाहर आ गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये व्यू देखने के बाद आप अंदर रहना वैसे भी पसंद नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट हर कोई बाहर आकर ही एडजस्ट हुआ था। नीला पानी, नीले पहाड़, नीला आसमान, इससे सुंदर व्यू मैंने तो आज तक नहीं देखा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, सेल बोट्स, जेट स्की, सब आसपास चल रहा था, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपका रास्ता बहुत बोरिंग है और आप एक घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। Are ancient, they are not. They were started in 1976 and completed in 1980. There's around 25 carvings in total. Matahi Brightwell's grandmother asked them to do some carvings to commemorate their ancestors' arrival to New Zealand. Their ancestors from Tahiti to New Zealand over 800 years ago. They landed on the East Coast Bay of Plenty region and made their way inland to settle on the shores of Lake Taupo. माओरी रॉक कार्विंग का पूरा नाम है नातोरो इरांगी माइन बे माओरी रॉक कार्विंग्स। नातोरो इरांगी माओरीज के एंसेस्टर थे, और इस स्ट्रक्चर को पूरा करने वाले आर्टिस्ट का नाम था माताही ब्राइटवेल। ये 14 मीटर लंबा स्ट्रक्चर लेक ताउपू के ऊपर खड़ा हुआ है और बहुत ही जायंट लगता है। ऐसा कहा जाता है कि माताही की जो दादी थी वो चाहती थी कि माताही न्यूजीलैंड में आके तोतारा ट्री पर अपने एंसेस्टर्स के चेहरे की नक्का शीर करें और एंसेस्टर्स की एक पहचान न्यूजीलैंड में छोड़ जाएं। जब माताही न्यूजीलैंड में स्पेशली लेक टाउपू के पास आए तो उन्हें यहाँ तो दारा ट्री नहीं मिला, और जब वो लेक एक्सप्लोर कर रहे थे तो इस चट्टान को देखकर उन्हें लगा कि ये एक परफेक्ट स्पॉट है उनके एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। माताही के अलावा 3 और लोगों ने मिलकर इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीट किया, और आज ये स्ट्रक्चर माओरीज के वन ऑफ द बेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म के रूप में न्यूजीलैंड में पाया जाता है और वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड वी आर बैक। विशाल, कैसा एक्सपीरियंस था? बेस्ट, मोर देन वैल्यू फॉर मनी फॉर 40। अब नीचे उतर दें और फिर बाकी बातें करते हैं। इतना साफ पानी है इधर बोट वगैरह चलने के बाद भी, क्या जो एल्गी वगैरह ग्रो हो रही है, सीवीड है, उसे देख सकते हो, और जहाँ पर नहीं भी ग्रो हो रही है उसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ही साफ सुथरा पानी है, और यहाँ पे बाकी लोग वेट कर रहे हैं। चेहरे पे स्माइल मजा आया ना, मुझे तो बहुत ही मजा आया। मतलब $40 में आप इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं ले सकते। मोस्टली तो ऑफकोर्स सेलिंग का ही एक्सपीरियंस था, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर था, लेकिन जब हम माओरी कार्विंग्स के पास पहुंचे तो वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे वो हॉलीवुड की मूवीज नहीं होती हैं जिसमें अभी कोई खजाना खुलेगा और अंदर से कुछ निकलेगा हिस्टोरिकल। बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही अमेजिंग। मतलब अगर आप यहाँ पर हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, एक रिलैक्सिंग डे इन्जॉय करना चाहते हैं, तो ये तो डेफिनेटली करना चाहिए आपको। अब आई डोंट थिंक कि हम ज़्यादा कुछ करेंगे। मेरा मन तो था कि पैराग्लाइडिंग करें, लेकिन ऑफ कोर्स अब टाइम थी। वो पुका फॉल्स, जेट बोटिंग, विशाल का मन था जेट स्की करने का, लेकिन क्योंकि हमने खाना खा लिया था तो उसके बाद जेट स्की या जेट बोट नहीं कर सकते। आई एम हैप्पी कि मैंने क्रूज किया जेट स्की की जगह, क्योंकि रिलैक्सिंग था, आराम से मैं एंजॉय कर पाया। 189 से 240 के बीच में रेंज दिखा रही थी जेट स्की की, और ये $40 पर पर्सन पड़ा। जेट स्की का जो भी चार्जेस दिखाते हैं वो दो लोगों में आप डिवाइड कर सकते हैं।
सामान टांगा है तो बोला नहीं जा रहा। इसके पहले भी जब हम टापू आए थे तब हमने जेट स्की इंजॉय की थी, उसकी क्लिप जो है मैं इसके बाद लगा दूंगी ताकि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस टापू का पता लगे। अब इस व्लॉग को मैं यही कर रही हूँ ख़त्म, क्योंकि हम अब कुछ सुवीनियर्स वगैरह ढूंढेंगे और उसके बाद अपना सामान लेके निकलेंगे तोरंगा के लिए। सॉरी मेरे साथ चढ़ गई है। अब इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। होपफुली यू एंजॉय दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।